hope you all are safe and secure at your home. I am your physics teacher Nisha. Today we are going to start with chapter 1, that is motion. Motion में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले start करते हैं rest से. What is rest? A body is said to be at rest. A body rest position में कही जाएगी if it does not change its position with respect to surrounding and time. मतलब जिस भी मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जहां पर भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पर अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोल देंगे कि वो रेस्ट पोजीशन पर है. फॉर एग्जांपल, अ बुक ऑन द टेबल. अगर एक टेबल पे बुक रखी हुई है वो अपने आप तो मूव करेगी नहीं, यानी कि जब तक उसमें हम कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हैं खुद से तो वो रेस्ट पोजीशन पर रहेगी. अ हाउस, चाहे हम हाउस की बात कर लें या बिल्डिंग्स की बात करें, ये रेस्ट पोजीशन पर ही रहते हैं. और ट्री, ट्री हमेशा फिक्स पोजीशन में ही रहता है. ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक टाइम में आके एक ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो एक पोजीशन पर है और दूसरे टाइम में उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट. मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. मोशन का मतलब मूवमेंट. अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, ऑब्वियस है मूवमेंट होगी तो पोजीशन चेंज होगी, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, एंड टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, किड्स प्लेइंग इन द ग्राउंड. अगर हम एक ग्राउंड में किड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो मोशन में ही, क्योंकि उनकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. रनिंग, अगर हम किसी भी पर्सन को देख रहे हैं या हम खुद भी रनिंग कर रहे हैं तो हमारी पोजीशन चेंज होती रहती है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग. ठीक है, जंपिंग, जंपिंग अगर कोई भी पर्सन कर रहा होता है तो एक ही जगह पर खड़ा होकर भी अगर कितनी मर्जी कोशिश कर ले उसकी पोजीशन चेंज हो ही जाती है. तो जंपिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन. मूविंग कार्स और बसेस, अगर हम कार्स और बसेस को ऑब्जर्व करें मूव करती हुई कार्स और बसेस को, तो वो मोशन में होती हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन.